It's a very proud moment for the entire family of MV International School that one of our student, Tanya Devi, she's from Badi Brahmana, scored 98.8%. She's a topper for Jammu, Kathua and Sambar district as far as girls are concerned. We have a lot of good result this time. Around 6 students have scored more than 95% and 24 students have scored more than 90%. It's a proud moment. And they, as you all know, that there is no shortcut to success. Hard work, dedication, consistency is required for getting this result. And it's always a teamwork of a teacher, of a student, the family members, the school, the management, the principal. And I want to thank the principal for guiding these students in achieving their targets, what they have set in life. And we are very happy to be a part of their success story. And I'm very excited today to see the result growing up day by day. And 98.8%, I think, what is next now? So they are setting the standards so high, it's going to be a very tough year next year for the students. They need to get more than this. Competition is one side, but we always feel the students get so much of exposure, so much of confidence with such results. And thank you all for your time, sir. Yes, sir. जी. शुरुआत में उनकी ऐसी ग्रोथ नहीं होती है, फिर उधर आते हैं, उसके बाद कैसे आप उनको ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि ऐसा रिजल्ट पेश आता है? जी सर, ये बच्चे की डेडिकेशन के ऊपर है कि वो चाहे ग्रामीण का हो या शहर का बच्चा हो, अगर बच्चा डेडिकेटेड होगा, फोकस्ड होगा लाइफ में और पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे, तो फिर ग्रामीण और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शहर हो या ग्रामीण हो. आप देखेंगे बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पे आज जो लोग बैठे हैं, डिफरेंट जुडिशरी में हैं, IAS में हैं, किसी भी लाइन में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रामीण के लोग भी आगे हैं. हमारे इन बच्चों के पास और ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं, जैसे जम्मू में आपको देखेंगे बड़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के पास, टाइम यूज़ करने के लिए बड़ा कुछ है, यहाँ नहीं होता. तो ये बच्चे ये टाइम यूज़ करते हैं स्टडीज़ के लिए, विच इज़ आर प्लस पॉइंट. सो ये मिथ है पहले कि ग्रामीण के बच्चे आगे नहीं जा सकते. अब ग्रामीण के बच्चे या शहरी स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो अब बच्चे वो ख़त्म हो गया डिफरेंस. कोरोना में काफ़ी मुश्किल रहा जी, बच्चों को ऑनलाइन कैसे मैनेज किया ये स्कूल ने पूरा और स्टाफ ने, क्या सर? कोविड जब मार्च में स्टार्ट हुआ 2020 में, जब इंडिया में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, उससे पहले हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी फरवरी में कि मे भी ये इंडिया में भी आ सकता है जिस हिसाब से वो स्प्रेड हो रहा था. तो वी स्टार्टेड प्लानिंग कि अगर ये हुआ तो क्या होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, एकेडमिक्स कैसे कवर करेंगे. बहुत रिग्रेस टास्क था, मुश्किल था. जैसे बच्चों के लिए मुश्किल था पढ़ना, तो वैसे टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल था पढ़ाना ऑनलाइन. जो आज तक एक ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना और उसको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म में पढ़ाना बहुत मुश्किल था, बट विद टाइम टीचर्स ने भी ये चीज़ें सीखी, बच्चों ने भी सीखी, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है. और हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कि स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा टाइम फ्रेम बना के रखा था कि उनको टाइम मिले, तो इतना हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं. इवन अकेडमिक्स है, हमने ऑनलाइन हमने योगा क्लासेस, ऑनलाइन हमने गेम्स, एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन भी रखे. जहाँ लोग स्ट्रगल करते थे एकेडमिक्स कराने के लिए, हमने वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू रखी ताकि बच्चा एकेडमी के साथ करिकुलर भी करता रहे ऑनलाइन. सर, माय नेम इज़ तान्या देवी. अच्छा, कौन से क्लास में आपके कितने नंबर आए हैं और ये श्री आपको आप किसको देना चाहते हैं? सर, आई हैव स्कोर्ड 98.8 इन 12th आर्ट्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर एंड माई पेरेंट्स फॉर ऑलवेज एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स. And also I think that it is very important for the students to have a positive attitude and to always think positive and with that revision and practice, I think all that makes a student more perfect in their studies. इस क्लास में आते ही बच्चों को काफ़ी ऐसे बर्डन होता है कि बोर्ड की क्लास है, उस बर्डन को आपने कैसे कम किया और स्कूल वाले टीचर्स हैं वो कैसे मोटिवेट करते थे आपको? यस सर, बर्डन तो होता ही है जब हम 12th में आते हैं, हर किसी की पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, बट आई थिंक सो हमें उसको इतना नेगेटिव में ना लेते हुए अपने आप को इवेलुएट करना चाहिए. जितने भी टाइम्स हम हमारे जो एग्ज़ाम्स भी होते हैं, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहें. अगर हम बार बार इवेलुएट करें हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादा वीक हैं, अगर हम उनको बार बार इवेलुएट करते रहते हैं और जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं जिन पर हम इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं उस पर अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आई थिंक ईजी हो जाता है. माई नेम इज़ स्नेहा मेहरा, आई एम फ्रॉम कैलीमंडी सांबा एंड आई हैव स्कोर 95.2% एग्ज़ाम
percentage in my 12th class board examinations. And I really want to thank all my teachers and my parents especially. I want to thank Mr. Khalid Maharaj, Ms. Sakshi Sethi, Mr. Gagan Mahajan and Mr. Rajay Kumar. Unhone, they every time help me aur kabhi bhi need hoti thi to unko message karo to they instantly reply. Aur बाकी बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया जो है इट इज़ वेरी गुड एंड ऑन द सेम साइड उसके वर्स्ट इम्पैक्ट्स भी हैं, तो वो हमें चूज़ करना है कि हमें बेस्ट चूज़ करना है या वर्स्ट चूज़ करना है, तो उसी पे हमारा करियर जो है वो डिपेंड करता है. तो ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 24 आवर स्टडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बीच में हमें स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए और रिक्रिएशन लेते रहना चाहिए. तो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से. कोविड का भी दौर रहा, उस दौरान किस तरह का सपोर्ट रहा स्कूल टीचर्स का? कोविड में ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो रेगुलरली चलती थी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती थी, कोई भी क्वेरी हो वो ऑनलाइन हम पूछ सकते हैं टीचर से, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस. और कोविड में ये था कि हमें प्रैक्टिस टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा मिल गया था, पुराने एग्ज़ाम शीट्स जो थे वो सॉल्व करने का, एंड दैट्स इट. I am Arushi Chip and I scored 96.4% in class 12th and I am from medical stream. Which school are you? Kahan rehte ho aap? I live in Vijaypur and I studied in MV International School. Kis tarah ye possible ho paya hai? Definitely the faculty of MV International School supported a lot throughout the year. The teachers of MV International Schools are like the stars for their children. They worked a lot throughout the year and make this possible. Jo bachche ab is class mein aa rahe hain unke liye kya message dena chahiye aap? Be away from social media sites and just focus upon your studies with full of concentration. My name is Vidyanti Salathia and I am in the school from nursery and today I am here because of my efforts of all my parents and my teachers. I would like to thank all everyone because of their efforts today I'm here. I score very good marks. I am very satisfied with my marks. I want to thank my teachers like Khalid sir, Sakshi ma'am. They motivate us, they inspire us. Both my parents and teachers, all they put efforts in my studies, they motivate me timely, they inspire me, they when I got distracted they motivated me and they said I have to do हार्ड वर्क इन माई लाइफ. एंड सो क्या मैसेज देना चाहोगे आप सब बच्चों को कि वो आगे कैसे बढ़ पाए, कैसे भी पॉसिबल कर पाए इस तरह का अच्छा स्कोर? वी हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. वी हैव टू डू हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क. एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन दैट वी शुड ड्यूरिंग एग्जाम्स ऑल्सो वी हैव टू stay away from social media. Sometimes the social media has very good and bad impact on our life. If we take good factors from the social media, then it's good, but if we are distracting from them, from the social media, then it is not a good thing. My name is Ashish Salathia. I scored 97.2% in medical stream in class 12th. From which school? MV International. इसका श्रेय किसको देते हैं आप? स्कूल को, टीचर्स को, माय पेरेंट्स एंड एवरीवन हु हैज हेल्प्ड मी थ्रू आउट माय जर्नी, एवरीवन. कुछ बच्चे टीचर्स को लेकर बड़ा से सोचते हैं कि डांट फटकारेंगे फिर पढ़ेंगे, यहाँ के टीचर्स का कैसा सहयोग रहा? नहीं, आज तक कभी भी डांट नहीं पड़ी, मतलब फर्स्ट क्लास में स्कूल ज्वाइन किया था, आज तक कभी नहीं. बच्चों को सिंसियर होना चाहिए अपने काम की तरफ, डिसिप्लिन होना चाहिए, जो काम दिया है हमेशा टाइम टू टाइम कम्प्लीट होना चाहिए. टीचर्स तो कभी भी नहीं डांटेंगे, अगर आप अच्छे हो कभी भी नहीं डांटेंगे आप. इतना अच्छा स्कोर किया आपने, कैसे पढ़ाया? प्रैक्टिस, स्टडी, रिवीजन, अगर आप रिवाइज करोगे, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो कंसेप्ट को तो आप कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपका. माय नेम इज़ तवलीन कौर, आई लिव इन विजयपुर एंड आई हैव बीन इन द स्कूल सिंस नर्सरी ग्रेड ओनली एंड MV International School and I've been here since nursery and school has provided me literally everything to where I've reached today. It's always been the efforts of my teachers, my principal sir, every faculty in my school to provide me to every opportunity that I can, and here I am standing in front of you getting good grades and representing my school today in class 12th by getting 97.6% in arts stream.
एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इन माय स्कूल, माय टीचर्स, खालिद सर, माय प्रिंसिपल सर, एवरीबडी, दे हैव लिटरली हेल्प मी अ लॉट रीचिंग दिस लेवल. माई सेल्फ कुलवीर सिंह सलाथिया फ्रॉम गुड़ा सलाथिया. माई डॉटर शी इज स्टडिंग इन 12th आर्ट्स एंड शी हैज ऑब्टेंड सिक्योर्ड 96.8 मार्क्स. बट टुडे वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी. सो वी आर ऑल पेरेंट्स गैदर्ड हेयर एंड ऑल द मेटोरियस स्टूडेंट्स ऑल्सो गैदर्ड हेयर. दिस इज़ ए मोमेंट फॉर आवर इन आवर लाइफ एंड दिस इज ए फर्स्ट स्टेप टू दिस आवर बार्ड्स so that can create a history. So I appreciate the school management as well as the teachers. Very very nice school. When we have admitted our wards in this school, in this remote area, this is the first school, CBSE school, MB International School. But now it is a renowned, means ki famous school in JNK, and is a topmost school in our district, I think, in JNK. I can't believe this, but unbelievable. I am standing in front of you and giving my views. So I am very thankful to the administration of MB International School and management as well as teachers. Thank you, sir. मेरा नाम नीलांबर डोगरा है और मेरी बेटी MB International School में पढ़ती है. तो बड़े अच्छा है, उसने स्कोर इस बार किया है. तो सबसे पहले जो स्कूल की जो मैनेजमेंट है, गौरव सर हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं और उनका बाकी का स्टाफ, उनका जो टास्क रहता था, बच्चे उसको फॉलो करते थे और जो भी उनकी क्वायरीज रहती थी समय समय पर, किसी भी समय पर वो चाहते थे तो उनको वो फॉलो मिलता था. तो बिना टीचर्स का और बच्चों की जो मेहनत थी, दोनों का मिलकर के, पेरेंट्स का जो सहयोग रहता है, तो इतना अच्छा स्कूल का रिज़ल्ट आया है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये और बढ़े. आने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी 12th में हैं या 10th में हैं या और क्लासेस में हैं, सोशल मीडिया से एक जो उसका वो फ़ायदा वो ले सकते हैं वो लें, जो उसके नुकसान हैं उस तरफ ना जाएँ. पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो समय समय पर बच्चों को इसके बारे में बताते रहें कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. सर, मैं कहना चाहूँगा कि बेटी ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है. मेरे परिवार में एक्चुअली पहले से भी काफ़ी एजुकेशन में कोई इतना हाई कहीं किसी ने परफॉर्म तो किया नहीं है. वैसे ये एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, जैसे अभी प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे कि उन्होंने मतलब स्कूल का नहीं बल्कि कई सारी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें उसके टॉप नंबर है. तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, खुशी का मौका है. उसकी मेहनत, स्कूल का जितना भी मेहनत था, स्टाफ ने बहुत अच्छा मेहनत किया, टीचर्स ने बड़ी अच्छी मतलब बच्चों को गाइड किया है, तो बड़ा खुशी की बात है. सर, सबसे पहले तो मैं स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर गौरव सर का और प्रिंसिपल सर का थैंक्स करना चाहूँगा. और जो यहाँ का स्टाफ है, बहुत ही ज़्यादा कोविड के समय में बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम थी. हमने देखा कि बच्चे रात को भी इन टीचर्स को मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई आ रही है. हमें खुशी होती थी कि कोविड की परेशानी भी है और बच्चों को पूरा स्कूल से जो है वो ताबड़ मिल रहा है. और स्कूल ने बहुत किए, अच्छा किया, और उसी की वजह से आज हमारे जो जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं, बच्चों ने इतना स्कोर लिया. मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल ना पीछे होता कोविड में, तो आज ये परसेंटेज लाना, इतने मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल था. वंस अगेन मैं स्कूल की सारी मैनेजमेंट का और सारे टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया.